अस्सलाम वालेकुम, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 6.11 और इसमें हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए सिंपल ये है कि जिस तरह रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, सीरीज़ में ऐड होते हैं और पैरेलल में उनका जो होता है ना प्रोडक्ट और डिवाइड बाय उनका सम होता है, तो सिंपल यही रूल को हमने फॉलो करना है। तो ये देखें, 40 और प्लस 20 ये 60 हो गया, और देखिए हमने ये 60 से मिली हेनरी से रिप्लेस कर दिया इंडक्टर को। अब ये 30 और 60 दोनों ये आपस में पैरेलल में है, फिर इनका पैरेलल लिया तो 20 आ गया, तो हमने ये देखें 20 अटैच कर दिया। अब ये 100 और 20 120 के कुल होंगे, और वो जो 120 आएगा वो और 40 ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल में हैं। तो इनको फर्दर पैरेलल में इनका किया तो 30 आ गया, और ये 30 का फिर एक रेजिस्टेंस इंडक्टेंस अटैच कर दी। अब 20 और 30 को जब प्लस किया तो 50 आ गया। अब ये एक 50 का एक इंडक्टर है और एक ये 50 का इंडक्टर है, दो इंडक्टर 50 के दोनों पैरेलल में हैं, उनको सॉल्व किया तो 25 आ गया। जब दो सेम इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस आए और पैरेलल में हो तो उनका रिजल्ट हाफ ही आता होता है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया।